दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, हम अपने मोबाइल से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर ईएमआई कार्ड की बात करें तो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड फर्स्ट नंबर पे आता है। आजकल 90% से ज्यादा लोग बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का यूज करते हैं। दोस्तों बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई करने पर आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मोबाइल फोन ले रहे हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से ईएमआई पर और उस मोबाइल का प्राइस 10,000 रुपये है तो आपको 10,000 रुपये ही देने होंगे, आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगता है। साथ ही आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ईएमआई पर शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आप कैसे बनाएंगे और बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को आपको कैसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों इस कार्ड की खास बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लिमिट मिलता है, आपको यहाँ पे 2,00,000 रुपये तक का लिमिट दिया जाता है। अगर इसकी फीस की बात करें तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फीस की भी डिटेल बताई गई है। आपको फर्स्ट टाइम सिर्फ इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए ही 530 रुपये लगते हैं, बाकी आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करेंगे, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करने से लेकर बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को एक्टिवेट करने तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वाले पेज पे आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पे दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस मोबाइल नंबर से आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे टर्म और कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर ऑलरेडी किया हुआ रहेगा। अगर टिक किया हुआ नहीं रहता तो आप उसको टिक मार्क लगाएंगे। इसके बाद गेट इट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गेट इट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। अब ओटीपी जैसे ही आप डाल देते हैं आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है आपके सामने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म आ जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, 3 स्टेप कंप्लीट करते ही आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हैं इंस्टेंट अप्रूवल, वेरीफाई डिटेल्स और एक्टिवेट, आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करने हैं, जैसे कि आप अपना फुल नेम डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप अपना पिन नंबर डालेंगे, देन इसके बाद आप अपना रेसिडेंशियल पिन कोड डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंप्लॉयमेंट टाइप पूछा गया है तो आप अपना इंप्लॉयमेंट टाइप चूज करेंगे। जैसे कि अगर जॉब करते हैं आप, जॉब होल्डर है, आपको मंथली सैलरी मिलता है तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सारा डिटेल फिल करके प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप अपना पर्सनल डिटेल्स डाल के प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम जिनका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे 1,00,000 रुपये की लिमिट दी गई है। देख सकते हैं वे अगर कार्ड लेते हैं तो उनको 1,00,000 रुपये की लिमिट मिल जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको भी अपना कार्ड देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपका भी लिमिट यहाँ पे शो हो जाएगा। ये लिमिट दोस्तों सभी को एक जैसा नहीं मिलता है, किसी को इससे कम भी मिल सकता है या फिर किसी को ज़्यादा भी मिल सकता है। मैक्सिमम इसमें 2,00,000 रुपये तक का लिमिट मिलता है। तो अब आपको कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहां पे ऑप्शन दिख रहा है गेट ई केवाईसी डॉन यूजिंग आधार, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड कैप्चा बॉक्स में इंटर करेंगे, देन इसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप आधार नंबर कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे, देन एक शेयर कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा 4 डिजिट का। इस शेयर कोड को आप याद रखेंगे, इन फ्यूचर आपको इस शेयर कोड की जरूरत हो सकती है। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका कंप्लीट डिटेल ये आपके आधार कार्ड से फेच कर लेगा, आपका यहाँ पे सारा डिटेल शो हो जाएगा, ये आपके आधार कार्ड से ही आपका डिटेल फेच कर लेगा। इसके बाद आप अपना डिटेल को चेक करेंगे, देन कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। तो देख सकते हैं आपका डिटेल वेरीफाई हो चुका है, अब आपको यहाँ पे अपना लिमिट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि बजाज
बजाज फिनसर्व के जितने भी पार्टनर स्टोर है वहाँ आप यूज कर सकते हैं। आप बजाज फिनसर्व ऑनलाइन स्टोर में यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी बहुत सारे इनका ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें भी आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको फीस को पेमेंट करना होगा, जो 530 रुपये का फीस है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कार्ड लेने के लिए फर्स्ट टाइम 530 रुपये का फीस पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे नाउ का ऑप्शन दिखाया, नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाता है कि आप किस पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यूपीआई से पेमेंट करूंगा। तो आप यूपीआई में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप पेमेंट कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों किसी किसी टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पेमेंट में दिक्कत आती है, वो पेमेंट कर देते हैं लेकिन उनका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अगर आपका भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, पेमेंट आपका किसी टाइम फेल हो जाता है, तो आपको 2 से 4 घंटे वेट करने हैं, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है। दोबारा पेमेंट कर देते हैं तो आपका पैसा चला जाएगा, कट हो जाएगा, दोबारा कट हो जाएगा, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 2 से 4 घंटे वेट करने हैं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन, एक्टिवेट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में ई मैंडेट सेट करना होता है। जैसे आप ई मैंडेट सेट कर लेंगे तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आप इस कार्ड से जितने भी शॉपिंग करेंगे ईएमआई पर, उसकी जो भी मंथली किस्त आएगी, ईएमआई आएगी, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट होते जाएंगे। तो ई मैंडेट करने के लिए देख सकते हैं आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल फिल करने होंगे, अपना बैंक अकाउंट डिटेल। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद आप अपना बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अकाउंट टाइप चूज करेंगे, आपका अकाउंट सेविंग है या फिर करंट है। अब दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ई मैंडेट करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक नेट बैंकिंग का, आप नेट बैंकिंग से भी ई मैंडेट सेट कर सकते हैं, और एक डेबिट कार्ड का। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक मार्क लगाएंगे। देन इसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ई मैंडेट का कंप्लीट डिटेल शो हो जाता है। अब आप नीचे फिर से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का। तो आप फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ई मैंडेट करना चाहते हैं। तो आप दोनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे। नीचे टर्म कंडीशन का फिर से आपको चेकबॉक्स दिख रहा है, इस चेकबॉक्स पे आप टिक मार्क लगाएंगे। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट किए हैं। तो जैसे आप नेट बैंकिंग को आप सिलेक्ट करते हैं, अब आपको अपने नेट बैंकिंग का यूजर आईडी डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, पासवर्ड, ओटीपी फिल करके ई मैंडेट सेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ई मैंडेट सक्सेसफुल हो चुका है। मैंने यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई कर लिया है। अब देख सकते हैं आपका भी ई मैंडेट यहाँ पे सक्सेस हो जाए। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका कार्ड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। देख सकते हैं योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली, मेरा यहाँ पे शो हो चुका है। आपको यहाँ पे अपना कार्ड का कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको अपना लिमिट भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका कार्ड रेडी हो चुका है, अब आप अपने कार्ड का यूज कर सकते हैं और बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों कार्ड को आपको पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए आपको बजाज फिनसर्व का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। आप गूगल प्ले स्टोर में बजाज फिनसर्व यूपीआई पे लोन मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इस मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपने कार्ड को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप अपना कार्ड का डिटेल्स देख सकते हैं, कार्ड से जो भी आप प्रोडक्ट ईएमआई पर लिए हैं उसका ईएमआई डिटेल्स देख सकते हैं, साथ ही आपके कार्ड में कितना लिमिट आप खर्च किए हैं, कितना लिमिट आपका बचा हुआ है, सारा डिटेल आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएगा। तो आपको कार्ड को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए इस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों ये इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप जिस मोबाइल नंबर से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई किए हैं उसी मोबाइल नंबर से आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके पूरी तरीके से अपने कार्ड को इस ऐप के थ्रू मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा दी है कि कैसे आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करना है और कैसे आप अपना बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो को नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।